एक्चुअली कि मैं पहली बार तो किसी सीरियल में काम नहीं कर रहा हूँ, पर काफ़ी गैप की बात कर रहा हूँ। मतलब फिलिप्स टॉप 10 लास्ट था, तो थोड़ी देर के लिए मैंने ग्रेट इंडियन फैमिली ड्रामा किया था। मैंने ज़्यादा नहीं किया, स्पेशली ये जो डेली सोप है ना, इस पे के लिए तो टाइम नहीं मिल पाता था। तो ये पहली बार मेरा जो है ना एक डेली सोप में इन्वॉल्वमेंट है कि एवरी डे शो आएगा, मतलब है ना। तो कोई डिफरेंट नहीं है मेरे लिए, मैं एक्टर हूँ, मैं थिएटर में काम करता हूँ, फिल्म में काम करता हूँ, टेलीविज़न में काम करता हूँ, पहले भी टेलीविज़न में काम किया हुआ है, लेकिन ये शो जो है वो बड़ा स्पेशल है। बिकॉज एक तो मतलब अमेरिकन बड़ा सक्सेसफुल शो था, एवरीबडी लव्स रेमंड उसका अडेप्टेशन है, स्टार प्लस ने उसके ऑफिशियल राइट्स लिए हैं, फिर कैसे इसको बनाया गया है, मतलब जहाँ पे रिहर्सल्स हुई, रीडिंग्स हुई, वर्कशॉप्स हुई, अमेरिकन आए, यू नो स्टीव स्पेशली, यू नो हमको पूरा ब्रीफ किया गया यहाँ पर। शशांत शाह जो हमारे जो बेस डायरेक्टर है, मतलब यू नो सीरीज डायरेक्टर है, उन्होंने कैसे कैरेक्टराइजेशन उसको डेवलप किया। तो ये प्रोसेस जो है ना, ये मैंने पहली बार बहुत इन्जॉय किया, जो कि डेली सोप में वैसे कभी नहीं होता, लेकिन सुमित संभाल लेगा में हमने इस चीज़ को काफ़ी मतलब लाइक थिएटर पर्सनालिटी, थिएटर पर्सन की जगह से तरह से इस्तेमाल किया। तो बहुत ही ऑब्नॉक्सियस, मतलब सास को जो मतलब भिगो भिगो के मारती है, मतलब तो हर कैरेक्टर का जो है ना, ये जो पूरी फैमिली जो है, ये सुमित की लाइफ को कितनी मिजरेबल बनाती है और सुमित कैसे संभालता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, ये टेलीविजन पहली बार आ रहा है जहाँ की मेल ऑडियंस भी जो है वो भी एक्चुअली इसको रिलेट करेगी। वैसे फीमेल ऑडियंस हमारे टेलीविजन में बहुत है, बट दिस डेफिनेटली विल क्रिएट मेल ऑडियंस ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ ELR, बिकॉज ऑफ एवरीबडी लव्स रेमंड, इसकी यूथ ऑडियंस भी बनेगी, उनकी यहाँ पे बहुत भक्त हैं एवरीबडी लव्स रेमंड के, जिन्होंने वो अमेरिकन शो देखा हुआ। तो मेरे को लगता है ये शो जो स्टार प्लेस ने इतने भव्य स्केल पर बनाया, वो डेफिनेटली इसकी सक्सेस जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। accomplished, I feel कि जो एक साल की मेहनत की है आज पूरी culminate हुई है एक पूजा की, and what better way to start the launch of a show, you know, with prayers, and सबको ये लगे कि you know हम बहुत important हिस्सा है, मगर एक दूसरे के बिना ये हो नहीं। बहुत अच्छी bonding हो चुकी है set पे, so it's really great, क्योंकि सबको पता है कि they become family। अगर आप बच्चे देखेंगे तो जब मानसी गाना गा रही थी या यू नो भजन गा रही थी, तो उन्होंने बोला मम्मा, तो ये हमेशा होता है, दे मतलब वो बच्चे, और बच्चे तो कभी गलत नहीं हो सकते, सो देर इज़ अ जेन्यून लव बिटवीन एवरीवन, दे लुक अप टू द एल्डर्स, वेदर इट्स मानसी, नमित और पिछले 9 महीनों से काम कर रहे हैं, तो 9 महीनों के बाद फाइनली हमारा बेबी जो है वो हम उसे बर्थ दे रहे हैं ऐसा लग रहा है, और इतनी एक्साइटमेंट है, जैसे कि देख सकते हैं सेट पे पूरा पार्टी का माहौल है और डिस्को का सीक्वेंस शूट कर रहे हैं हम, और इतने सारे रिस्पॉन्सेज मिले हैं, हमारे जो प्रोमोज चल रहे हैं टीवी पे, लेमन चिकन और राजमा और मम्मी जी और मेरी जो पूरी जो तूतू मैम है वो बहुत मज़ा आ रहा है लोगों को, और हम भी आप सबको एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो देखेगा सुमित संभालेगा सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ और सिर्फ स्टार प्लस। देखिए 10 बजे आपका खाना हो गया होगा, आपके ऑफिस के सारे कॉल्स ख़त्म हो गए होंगे, सास बहू आपकी जो घर की जो आपकी सारी इधर उधर की बातें होंगी वो ख़त्म हो गई होंगी, तो बस सब भूल जाइए, स्टार प्लस शुरू कीजिए, पूरा परिवार एक साथ सोफे पे बैठिए और सुमित संभालेगा, देखिए, क्योंकि ये ऐसा शो है जिसे देख के आपको इतना मज़ा आएगा और आपको अपने अपने पुराने दिन याद आ जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो मेरी कहानी है, अरे ये तो मेरे फ्रेंड की कहानी है, अरे ये तो मेरी सास की कहानी है, आपको ये बहुत सारी कहानियाँ मिलेगी इस शो में, और हम आपको हंसाते हंसाते पूरी कहानी बता देंगे। तो देखिएगा सुमित संभालेगा सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ और सिर्फ स्टार प्लस। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.